बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ईग्रिड सोलर। आज के व्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं नाइट्रोक्स 6 किलोवाट, जो कि हमने एक पेंट हाउस में इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे हमने इसके साथ BYD की बैटरी अटैच की है, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है। और ये 3.25 लाख रुपये के आसपास की बैटरी है। तो आपको दिखाते चलें कि हम अपने क्लाइंट की चॉइस के ऊपर इसमें तमाम मैग्नेट कॉइल्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, डक पट्टी के साथ। जिस तरह से प्रॉपर इन्होंने कहा था कि इनकी टीवी लॉन्च में इसको सेटल डाउन करना है, उसी तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेटल डाउन किया है। बैटरी साइड पे हमने MCCB DC ब्रेकर अटैच किया है। ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है, बिल्कुल कॉर्नर है दोनों चीज़ों का। और इसी के साथ हमारी सिग्नेचर स्टाइल DV बॉक्स की सेटिंग हमने इसमें कर दी है। नॉर्मल ब्रेकर्स वही हैं जो हम हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। ऊपर से हम इनकी वायर लेके आए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीस था जिसकी वजह से हमने उसको काट के कंसील कर दिया है। तो कोशिश ये है कि इनका जो है प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा डिज़ाइन हो, इसी वजह से हमने इसमें चिंट के ब्रेकर्स जो हैं वो सारे यूज़ किए हैं। इनका पूरा DV बॉक्स जो है वो रियलाइन कर दिया है हमने। ये एक मास्टर लुक है कि किस तरह से कॉर्नर के अंदर हमने मेन DV बॉक्स के साथ जो है वो इन्वर्टर को प्लेस किया है। और बैटरी साइड पे भी कॉइल हमने इसमें ऐड की है, जो कि मैग्नेटिक कॉइल जो है वो इन्वर्टर के साथ आई हुई है। और उसके बाद फिर हमने जो है इसका BMS भी अटैच कर दिया है। यह पैनल्स का व्यू ले रहे हैं। इस वक्त 12 पैनल्स हैं जो कि हमने सिस्टम एग्जीक्यूट किए हैं। क्लाइंट के पास 2 1 टन के DC इन्वर्टर AC हैं, प्लस उनका घर का लोड है। वो इजीली इन 12 पैनल्स के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है ये पाइप प्लस गार्डर का, जो कि आप तमाम वीडियोस में देखते हैं, उसी पैटर्न पे जो है वो ये यहाँ पे छत पे हमने डिज़ाइन कर दी, क्योंकि पेंट हाउस है, 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर का ये स्ट्रक्चर है। इस वक्त हमें शाम हो गई है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए, तो तकरीबन 5:30 बजे के टाइम पे हमें 1.24 किलोवाट जो है वो सोलर से रिसीव हो रहा है, जो कि शाम की इंडिकेशन कर रहा है कि इस वक्त शाम है। और आपने मौसम भी देख ही लिया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें धूप शामिल नहीं है, लेकिन नॉर्मल मौसम के अंदर शाम के टाइम पे एक अच्छे रिज़ल्ट जो है वो जनरेट हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर का मास्टर व्यू फिनिशिंग के बाद किस तरह का लग रहा है। ये प्रोजेक्ट का फाइनल लुक है। इस वक्त कॉर्नर के अंदर जो है वो DV बॉक्स आ रहा है, उसका भी निशान आपको महसूस हो रहा होगा। और ये जो है इन्वर्टर का फाइनल लुक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ जो है वो BYD की बैटरी किस तरह की लग रही है। BYD की बैटरी जो है वो 3C कैटेगरी में आती है, मतलब ये कि आपका इस पर आप जो है वो 1C कैटेगरी में नहीं है, मतलब हैवी चार्ज और डिस्चार्ज से इसको अवॉइड करें। अगर नॉर्मल चार्ज और डिस्चार्ज देना है तो BYD की बैटरीज आप लगा सकते हैं, और एक के ऊपर एक इस तरह से रैक स्टाइल के अंदर इस बैटरीज को जो है ना आप अपने डेटा सेंटर्स के साथ या बैकअप सेट के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये DV बॉक्स वाली साइड का मास्टर व्यू आ गया आपके सामने। चेंट के ब्रेकर्स आपको दिखा दें कि हमने प्रॉपर टैगिंग कर दी है। वोल्टेज प्रोटेक्टर आ गया, इनआउट ब्रेकर्स आ गए, सोलर ब्रेकर्स आ गए। तो ये DV बॉक्स दोनों मैनेज कर दिए। इसमें तीनों सेलेक्टर्स हमने नए डाल दिए हैं। एक जो है वो मीटर का सेलेक्टर आ गया है कि तीनों फेज हमने अपने इन्वर्टर के इनपुट पे डाल दिए हैं। एक हैवी लोड का बाईपास है, एक नॉर्मल लोड का बाईपास है। तो इसी तरह से हमने इसको पैटर्न को कर दिया, और दीवार थोड़ी सी छील के हमने उसके अंदर डाल दिया है। अब हम आपको दिखा दें कि हमने पाइप जो है वो किस तरह से, ये पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप के थ्रू हम डाल के लेके आए हैं छत से वायर, ताकि बाहर भी विजिबिलिटी ना हो और मिनिमम विजिबिलिटी के साथ इस काम को करने की हमने कोशिश की है। और आप ये देखें टेरेस के नीचे से थ्रू जो है ना पाइप हम ये अपने वायर्स यहाँ पे लेके गए। 4 mm टिन कोटेड हाई वोल्टेज जो वायर्स हैं वो हमने इसमें यूज़ किए हैं। और ये शाम का क्लोजिंग लुक है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। आई होप ये आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह के लिए आप जो है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें